नमस्कार, मैं सारिका श्रीवास्तव, स्वागत है आपका INN 24 में। बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस पार्टी की महिलाओं के बीच का विवाद काफी चर्चा में बना हुआ है। वार्ड पार्षद के साथ हुए अभद्र व्यवहार के बाद सभापति सहित एक दर्जन से अधिक पार्षदों ने अपना विरोध दर्ज कराया है। महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष द्वारा कांग्रेस महिला वार्ड पार्षद को गंदी गालियां दी गई हैं, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद पक्ष विपक्ष सभी ने बरखा सिंह को जिला अध्यक्ष पद से हटाने की मांग की जाने लगी है। इस मामले की गूंज दिल्ली तक पहुंच चुकी है। वहीं पूरे घटनाक्रम को गंभीरता से लेते हुए महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर एक जांच समिति का गठन किया गया है। जांच समिति ने शनिवार को जिला कांग्रेस कार्यालय में दोनों पक्ष व प्रत्यक्षदर्शियों से पूरे मामले की जानकारी ली और सभी का बयान दर्ज किया है। उक्त मामले में महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष को पार्टी द्वारा नोटिस भी भेजा गया है। जांच समिति जांच के बाद रिपोर्ट तैयार करेगी, उसके बाद जो भी निर्णय होगा वह प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों द्वारा लिया जाएगा। अब ये परिवार का मामला था, आपस में मिल बैठ के आए थे हमारे प्रभारी बात करने के लिए, और अब अपना अपना पक्ष रखे हैं, वो भी अपना पक्ष रखी हैं, मैं भी अपना पक्ष रखी हूँ। अब आगे प्रभारी और जांच कमेटी के ऊपर हैं। उस दिन की घटना को देखते हुए कांग्रेस कमेटी और ऊपर से जांच समिति बिठाए गए हैं, और जिसमें हम लोग को बुलाए हैं, दोनों पक्ष का बात सुनेंगे और जो भी है वो निर्णय लेंगे। मैंने अपना जो भी घटना हुआ है उस घटना को पूरा जानकारी उनको दी हूँ। आगे उनका मैंने वही बताया जो पूरा शुरू से आखिरी तक जो वहाँ घटना हुआ है उसका मैं उनको जानकारी दी हूँ। मैं क्या चाहती हूँ, मैं अपना बात रख चुकी हूँ, आगे जो इन लोग निर्णय लेंगे उसके अनुसार मैं अपना निर्णय करूँगी। प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष माननीय फूलो देवी नेताम दीदी के निर्देश अनुसार आज जांच दल गठित की गई थी यहाँ आज रायगढ़ जिले में, और हम दोनों पक्ष की बातों को सुने हैं। उसके बाद हम रिपोर्ट भेजेंगे माननीय दीदी जी को, और उसके बाद फिर हम बता पाएंगे। सभी से बारी बारी पूछा गया? जी जी, सभी से बारी बारी पूछा गया। वायरल वीडियो के बारे में क्या तथ्य निकला है? उसकी तो अभी जिस वायरल वीडियो से क्या निकला उस वीडियो को तो मैं अभी नहीं देखी हूँ। मैं